हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ईद मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक की खास बात यह है दोस्तों कि मैंने इसे किया है सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स की हेल्प से, जो कि आप भी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। आपके पास जो भी क्रीम हो, बीबी या सीसी क्रीम, तो वो आप अप्लाई कर लीजिए। अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी और एज अ कंसीलर भी मैं इसी क्रीम को अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं अच्छे से इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर बहुत ईजी है गाइस इस मेकअप लुक को करना, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस मेकअप लुक को किसी भी पार्टी फंक्शन वगैरह में भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, तो इस तरीके से भी आप कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की हेल्प से इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी क्रीम को सेट कर लूँगी अच्छे से। और हाँ, समर से फ्रेंड्स, तो आप अगर कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी लगा लेंगे तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी एक्सपोली की हेल्प से। और इसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हो आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ इस ब्राउन कलर की पेंसिल से। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, काफ़ी नेचुरल दिखती है आपकी आईब्रोज़। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाइस हिलेरी रोहुडा के आई शेडो पैलेट से ये ट्रांजिशन शेड, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब मैं सेम पैलेट से ले रही हूँ गोल्डन शिमर शेड, और इसे अच्छे से मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी। आपके पास जो भी पैलेट हो गाइस, उसमें से आप गोल्डन कलर का शिमर शेड ले लीजिए और इस तरीके से आप उसे अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लीजिए। फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्रश की हेल्प से भी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का काजल, और इस मेबेलिन के काजल को मैं यहाँ पर एज अ आईलाइनर पहले लगा लूँगी, और इसके बाद मैं काजल की तरह लगाऊंगी। और थोड़ा सा मैं इसे स्मच कर लूंगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये रेड बुलेट लिपस्टिक, और इसकी हेल्प से पहले मैं ब्लश लगा लूंगी अपना। आप इस तरीके से लगा सकते हो। और अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा। आप चाहें तो फॉल्सेस भी वेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको फॉल्सेस लगाना पसंद है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का मेकअप लुक पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने बहुत से ईद मेकअप लुक शेयर किए हैं अपने चैनल पर। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।